नमस्ते सर। नमस्कार सर। जी। नमस्ते, क्या नमस्ते हाल सर। चाल? नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ रहते हैं आप? सर आपको प्रणाम सर। जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी, बताइए कहाँ रहते हैं, क्या सर करते हैं? मैं पूना में, महाराष्ट्र पूना में रहता हूँ सर। जी, और क्या जॉब करते हैं? सर मैं एनटीसी लॉजिस्टिक्स में डिस्पैच देखता हूँ सर। डिस्पैच देखता हूँ, लोडिंग अनलोडिंग, अच्छा, बड़े बड़े तो जॉब्स लोड करना अनलोड करना। जी उम्र सर। कितना है आपका? उम्र उम्र कितनी? मेरा अभी 44 है सर। अच्छा, 44। ठीक है, बताइए क्यों जुड़े, क्या सवाल है और कैसे हमें ढूंढा और क्या जानना चाहते हैं? सर आपसे वही, मुझे डायबिटीज हुआ सर 2 साल से। जब डायबिटीज हुआ था 2 साल पहले तो HbA1c चेक किया था, तो तब 8 पॉइंट था। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। और बाद में हम 3 महीने पहले जो चेक किया था तो उस समय मेरा 10.8 था HbA1c। और फिर जब से अभी आपको लगभग मैं 2 महीने से फॉलोअप कर रहा हूँ, आपको जी, लगभग 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया, 2 महीना अच्छा, आपका पूरा डायफिट डाइट फॉलो कर रहा हूँ। कार्ब छोड़ कैसे दिया ढूंढा, हूँ कैसे लगभग, मैंने, मुझे लेकिन कैसे ढूंढा आपने? ढूंढा मैंने ऐसा कि मैं पोहा, सुबह सुबह पोहा नाश्ते में मुझे खाने में अच्छा लगता है, अच्छा, तो फिर ऐसे ही मैं एक वीडियो सर्च किया कि क्या डायबिटीज में पोहा खा सकते हैं क्या। तो फिर उसमें आपका ये दिखा, मैं बोला इसको सर्च करके सुना, तो फिर पूरा वीडियो देख लिया आपका, तो तब से मैं आपको फॉलो करने लगा सर कि अच्छा, उसमें ज्यादा कार्ब हो सकता है, पोहा उपमा सब उसमें ज्यादा कार्ब होता एक है, ही वीडियो वो पूरा आपका YouTube वीडियो में था। मिलेगा, खाना पूरे YouTube में एक ही वीडियो मिलेगा पोहा के ऊपर, जो कहते हैं, जो मेरा वीडियो है, जो मैं मना करता हूं कि नहीं खाने के लिए, बाकी सब कहेंगे आपको पोहा खा सकते हैं। हाँ सर, बरोबर 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 सर, सब 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 कहते हैं कहेंगे सर, पोहा सही खा सही सकते बात हैं, है सर। नाश्ते में पोहा खाइए, आपकी हाँ शुगर खा नहीं सकते। बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ मेरे वीडियो में जी आप, मैंने जी कहा है कि पोहा खाने से आपकी शुगर बढ़ेगी। बरोबर बरोबर सर। ठीक है, तो बताइए उसके बाद। मैं फिर वो तो फिर मैंने फिर उस दिन से पोहा खाना छोड़ दिया। सुनो तो सही, पोहा खाना छोड़ दिया, चावल जो हाई कार्ब वाला चीज है वो धीरे 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 कम कर दिया। फिर इसका रोटी, रोटी आप बोले हाई प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, तो मैं फिर हाई प्रोटीन किसमें किसमें ज्यादा है वो सर्च किया सब। फिर उसका एक लिस्ट निकाला, और फिर उसका सोयाबीन वो सब डाल के रोटी बना रहा था उसका, तो फिर मेरा शुगर 120, 140, कभी 130 आता है। अच्छा, नहीं पहले तो कितना? पहले शुगर मेरा 300, 350 आता था सर। अच्छा, ठीक है, हाँ सर, 300, ठीक है। 350 आता था, लेकिन आपको फॉलो कर रहा हूं तो काफी शुगर मेरा कम आ गया सर। आज आज का मैं रीडिंग देखा था तो 140 था सर, ठीक है, आज का रीडिंग, खाना खाने के अभी बाद 2 घंटा बाद बिना गोली के। हाँ तो हाँ क्या सर, खाया आज, क्या खाया थोड़ा बताइए। आज मैंने सोयाबीन की रोटी खाया और बैंगन की सब्जी खाया सर, बस। हाँ ठीक सर। है, ठीक हाँ है, बहुत अच्छी बात है। अभी क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? बस सर, आपके दर्शन करना था सर, आपका वीडियो देख के, आपको देख के ही मेरी शुगर कम हो जाती है सर, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, अच्छा, मन बहुत प्रसन्न होता है आपको देखने से, ठीक, आज तो लाइव दिख रहा क्योंकि ये दुनिया में सारे डॉक्टर, है, आज तो आज लाइव दिख आज रहा तो है लाइव आपका, देखा, लाइव आज तो इसलिए आपको, आपके दर्शन हो गए सर, आपके लाइव बात दर्शन हो गए कर सर, लाइव देखा। रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, सर, बाकी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे आप? बाकी डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, जो प्रोटीन वाली चीजें वो सब छोड़ दो बोला था, जैसे पनीर मत खाओ, अंडा मछली ये मत खाओ। वैसा मैं वेजिटेरियन हूँ, अंडा मछली तो नहीं खाता हूँ, लेकिन वो जैसे ही मैं बोला मैं अंडा मछली मटन चिकन कुछ नहीं खाता हूँ, वो बोले बहुत, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे ऐसा बोलने। लेकिन मैं आपका वीडियो देख रहा था
तो इसमें तो पूरा जीरो कार्ब है, तो ये खा सकते हैं, हाँ ये सब जीरो कार्ब है, ये तो और सब खा डॉक्टर को भी सकते मालूम है हैं। कि ये सब खाएंगे तो शुगर कम हो जाएगा, इसलिए मना करते। जी, बरोबर बरोबर सर, बरोबर। ठीक है और आज ना, मेरा HbA1c 5.8 है सर, HbA1c कब कराया ये? ये अभी पिछले महीने में कराया सर, अच्छा, पिछले महीने और में कराया था। जब डायग्नोस हुआ था 8 पॉइंट समथिंग था? हाँ, जब डायग्नोस जब हुआ था 2 साल पहले तो 8 था, फिर बाद हाँ में और उसके बाद फिर कितना, एक आठ आठ महीना पहले, 10 महीना पहले, लगभग समझो साल हो गया समझो, तो उस समय 10.8 आया, फिर बाद में बढ़ गया, अच्छा 10.8 हो गया था। हाँ सर, ठीक है, अभी तो फाइव फिर मैं पॉइंट एट बोला है अभी। बिना मेडिसिन के, राइट? हाँ हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, मेडिसिन नहीं खाना है, मेडिसिन से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, डायफिट डाइट को फॉलो करिए, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ लॉन्ग। वही सर आपका, अभी बस वो अभी, और मैं 2-3 महीना यही करके फिर GTT टेस्ट करता हूँ, नहीं तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आपका वीडियो देख के इतना फायदा हुआ, और आपसे जुड़ने के बाद आपका प्रोग्राम भी लेने वाला हूँ। मैं कॉल किया था तो उन्होंने जी मुझे कुछ टेस्ट का लिस्ट भेजा है, तो जी वो जी टेस्ट का लिस्ट मैं सब टेस्ट करने के बाद फिर मैं आपसे जुड़ने वाला हूँ सर, ताकि ठीक है, मुझे लाइफ लॉन्ग अच्छा महसूस हो, अच्छा मैं रहूँ, हेल्दी रहूँ और सब कुछ खा सकूँ। जी वैसे जी आपका वीडियो देखने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा चावल, राइस 100 ग्राम या 50 ग्राम ऐसा थोड़ा थोड़ा लेता हूँ, सब खा सकते हैं, तो शुगर। क्वांटिफाई करके खाएंगे तो सब कुछ खा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ा देर पहले, मैं अभी लद्दाख होके आया हूँ, और वहाँ का वीडियोस अगर आप लोग नहीं फॉलो कर रहे, वहाँ जाके देखिए, मेरे अनुपम घोष के नाम पे है। वहाँ मैंने मैगी, हर दिन मैगी खाया है, क्योंकि वहाँ मैगी के अलावा और कुछ मिल नहीं रहा था। वहाँ मैंने आइसक्रीम भी खाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आके शुगर भी चेक किया, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 साल पहले मुझे डायबिटीज था, मैंने अपनी डायबिटीज रिवर्स करी है। तो ऐसा नहीं है कि जिसको, अब मुझे बहुत दुख होता है कोई आके कहता है कि मुझे 20 साल से डायबिटीज, डायबिटीज मुझे भी था 1 साल के लिए, हाँ हाँ उसके बाद बरोबर रिवर्स कर, बरोबर और आप भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको डायबिटीज नहीं है, अगर 5.8 है आपकी HbA1c जी। तो वो भी डायबिटिक रेंज में है, नॉर्मल रेंज अच्छा में आ अच्छा ही गया, आप समझ लीजिए। ठीक है, नॉर्मल रेंज में मानते हैं, डायबिटिक रेंज में है नहीं अभी, तो मुझे मुझे अभी डायबिटीज नहीं है। नहीं है। डायबिटीज सिक्स पॉइंट अरे फाइव के ऊपर वाह, होते हैं तब डायबिटीज होता है, और इसीलिए अच्छा मैं अच्छा एक अच्छा मिशन चला रहा हूँ, डायबिटीज फ्री इंडिया, मतलब 6.5 के नीचे HbA1c रहना चाहिए बिना किसी मेडिसिन के, वो पॉसिबल है डायफिट डाइट को फॉलो करके। और इसलिए मिशन, हाँ इस डायबिटीज फ्री मिशन में मैं ट्रेवल करूंगा। फिलहाल मैं पहले भोपाल जाऊंगा, फिर हैदराबाद, फिर बैंगलोर। तो अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे फोन करके आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके मिल सकते हैं लाइव। ठीक है, डेट आपको वैसे बता पुणे में दिया। आएंगे सर आप? पुणे में भी आएंगे वैसा? पुणे में वापस बैंगलोर से आने का सोच रहा हूँ, पुणे फिर अहमदाबाद फिर जयपुर, इस तरह से घूम के फिर वापस आएंगे। अभी प्लानिंग चल रही है, तो अभी पूरे आइए लेवल आइए सर, पुणे में आइए सर। ये करेंगे। जी ठीक जी है, सर, जी सर, यही जाते सर, जाते इसी में आप बोला, आज जी कुछ मैं सवाल है यही और कहना आपका? चाहूंगा कि सर, सवाल हाँ तो हाँ मेरा कहिए। यही था कि मैं 5.8 आया हूं, तो अभी डायबिटीज है या नहीं? अभी नहीं मैं है ऐसे ही फॉलो करेगा तो एकदम एकदम मैं GTT पास कर सकता हूं, बोले तो मैं अभी, कुछ ऐसे टाइम ही और रुक कैलकुलेट जाइए, करेगा अभी तो। पहले 5.7 के नीचे लेके आइए, फिर GTT करिए। अभी कुछ टाइम, 5-6 महीने और दीजिए अपने आप को, फिर GTT करिए। अच्छा, 5-6 महीना, ओके 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 सर, नहीं मैं ऐसे ही HbA1c करेगा, 5.4 यही और रेगुलर फॉलो 5.6 तक करेगा। रखिए पहले, उसके बाद करिए GTT। जी, सर ठीक वही है, आपका देखकर मैं सब ये खाना शुरू किया हूँ सर, पनीर, वो सब क्या क्या रखना है थाली में, क्या क्या लेना है, प्रोटीन युक्त, सब वे प्रोटीन भी लेके आया हूँ सर, एक डब्बा वे प्रोटीन, कुछ कमी हो गया है तो वो मिला के पी लेता हूँ, तो उससे फायदा होता है सर, बरबर बहुत फायदा होता है, वे ठीक है, प्रोटीन से बहुत भी बहुत फायदा होता है। ठीक है, जी बहुत जी अच्छी सर, बात है। आपको जाते जुड़ने के जाते क्या बाद कहना फायदा ही चाहेंगे जो आपको फायदा बाद होता में है। देखेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि डायफिट डायट को फॉलो करें सर, को फॉलो करें, सारे वीडियोस देखें, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखें यूट्यूब में, ताकि जब भी कभी हुआ कि वीडियो देख के चला सके, क्योंकि वीडियो मिलता नहीं है, तो मैं ऐसे सारे आपके वीडियो डाउनलोड करता रहता हूँ सर, और मेरे मोबाइल में सेव रहता है सब।
हाँ तो यही फॉलो करेंगे तो शुगर ऑटोमेटिकली कम आएगा, बरोबर, और फायदा होगा, जीने की एक राह मिलेगी। सर मैं बहुत परेशान था, मैं रोता था सर कि मेरी जब शुगर 300 350 जाती थी, मैं रोता था सर, बहुत रोता था कि मैं खाने पीने वाला आदमी हूँ, खाने का शौकीन हूँ थोड़ा सा, यही चाट मसाला पानी पूरी भेलपूरी ये ऐसा ही कुछ खाता था सब। लेकिन जब से डायबिटीज हुआ तो खाना सब बंद हो गया, तो फिर ऐसी पोहा नाश्ते में मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा था। वो तो आप मिल गए, पोहे की वजह से आप मिल गए मुझे तो आपको ठीक फॉलो करने लगा सर। हाँ सर, आज मेरा शुगर एकदम 140 40 के अंदर ही आता है। वो तो थोड़ा रीडिंग ग्लूकोमीटर तो आपके वजह से हमको पता चला कि वो 10-20 रीडिंग थोड़ा ज्यादा ही बताता है, तो इसलिए मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा शुगर 120 के ऊपर जाता ही नहीं है। जी हाँ सर, वो सब आपकी मेहरबानी है सर, आप भगवान है सर, सही में जी सर, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हाँ सर ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे, खुश रहिए, और जी जी इस देश को बदलना है, डायबिटीज फ्री इंडिया बनाना है, उसके लिए जी हम मैं सब सबको बता रहा हूँ कि ये मेहनत, खाओ वो खाओ। शेयर करिए वीडियोस और बताते रहिए, ठीक है। थैंक जी सर, जी सर, जी सर, यू थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू, थैंक जय हिंद। यू, थैंक यू, जय हिंद सर, जय हिंद सर।